लोग कहते हैं कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड वॉर होगा महायुद्ध होगा उसका वन ऑफ द मेजर रीजन बी वाटर पानी पानी इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस हमारे बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो पानी है हम सबको पता है चीज़ और दुनिया के अंदर में हम अगर सर्वाइव कर पा रहे हैं क्यों क्योंकि देर इज अ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल और अगर मैं आपके साथ कुछ डेटा आज शेयर करूँ ना तो आपका मन जो है वो विचलित हो जाएगा कि पानी की हालत बहुत ख़राब है और गवर्नमेंट अक्रॉस द बोर्ड हर कंट्री की गवर्नमेंट इस बात को जानती है और नए नए इनिशिएटिव ले रही है ताकि ये पानी का जो प्रॉब्लम है जो कि प्रॉब्लम शायद रहेगा ही बट पोस्टपोन्ड होता रहे या बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना बन पाए तो आज के इन्वेस्टमेंट थीम में वाटर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर मैनेजमेंट और इसके अराउंड क्या क्या कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं और क्यों ये थीम एक लॉन्ग टर्म थीम है ये कोई कुछ दिनों का थीम नहीं है बिकॉज पानी का प्रॉब्लम जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है ये शॉर्ट टर्म इशू नहीं है तो प्रेजेंटेशन सामने मैं आपके सामने यहाँ पे इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुत सारी कंपनीज भी चर्चा करेंगे थीम डिस्कस करेंगे तो ध्यान रखिएगा लास्ट तक देखना है बिल्कुल तो लास्ट तक ही आपको फायदा होगा तो वाटर इंडिया जो है वो दुनिया का 17 परसेंट पॉपुलेशन है बराबर है लेकिन जो पानी जो बचा हुआ इंडिया में वो केवल चार परसेंट है दुनिया का तो इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू फीड आवर पॉपुलेशन द एसेंशियल वाटर टू सरवाइव इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम वी हैव टू थिंक गवर्नमेंट को पता लग गया है ये प्रॉब्लम है इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्टडी किया है वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो इक्कीस सिटीज़ हैं जिसमें मेजर ग्राउंड वाटर शॉर्टेज हो जाएगा 2030 तक इसका मतलब जो 100 मिलियन पॉपुलेशन है उस पर इम्पैक्ट आने वाला है इंडिया में दुनिया में जो वाटर का स्ट्रेस लेवल है वो तकरीबन 1700 सौ एम थ्री पर पर्सन है और इंडिया के अंदर में ये अभी आज के रेट में है 1100 तो ऑलरेडी इंडिया में डिफिशेंसी दिख रही है पानी की पानी की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है जब मैं पानी की बात करता हूँ तो समुद्र का पानी का बात नहीं करता हूँ बिकॉज वो तो सॉल्टेड वाटर है उसका यूटिलिटी कम है जब मैं पानी की बात करता हूँ तो एग्रीकल्चर 83 परसेंट इंडस्ट्रियल 12 परसेंट डोमेस्टिक 5 परसेंट मैं फ्रेश वाटर की बात करता हूँ बिकॉज काम फ्रेश वाटर ही आता है समुद्र का जो पानी है जो सॉल्टेड है वो काम नहीं आता है हाँ उसको प्रोसेस करके फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाता है की ट्रेंड क्या है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी इनिशिएटिव है जो कि वाटर सेंट्रिक आप कह सकते हैं इनिशिएटिव है जो सिवरेज है जो सिवरेज फैसिलिटी जिसको हम नाला भी बोल सकते हैं तो इंडिया में खाली 30 परसेंट सिवरेज जो है वो ट्रीट होता है नीति आयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें डिसोलिनेशन प्लांट्स जो कि बेसिकली समुद्र का पानी को क्लीन करना सेलिडेशन को क्लीन करना वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है रिसाइकल एंड री यूजेज फाइव स्टेट्स ऑफ इंडिया तमिलनाडु केरला महाराष्ट्र हरियाणा गुजरात इन्होंने स्टेट लेवल पॉलिसी डिफाइन की है जिसमें कह रहे हैं कि सत्तर परसेंट री यूज ऑफ ट्रीटेड वाट वेस्ट लैंड वेस्ट वाटर बाई ट्वेंटी थर्टी वाटर नेट न्यूट्रैलिटी आपने कार्बन क्रेडिट के बारे में सुना होगा तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि अगर कोई एक एक्टिविटी कार्बन ज़्यादा जनरेट कर रही है और कुछ एक्टिविटी ने कार्बन के जनरेशन को कम किया है तो इस एक्टिविटी को उस एक्टिविटी को रिवॉर्ड करना पड़ेगा कैसे कार्बन क्रेडिट्स ख़रीद के अगर मैं अपने ऑफिस के अंदर में सपोज पानी आ, का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा लेता हूँ और मैं पानी को ऑटोमेटिकली जनरेट करवाने की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ तो मुझे पानी का क्रेडिट मिलना चाहिए जो कि उस हाउसिंग सोसाइटी या उस फैक्ट्री जहां पर पानी वो उनको चाहिए चाहिए क्योंकि फैक्ट्री में अगर आप इंडस्ट्रियल कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी होती है तो वो जो फैक्ट्री है वो वाटर क्रेडिट हमसे खरीद सके तो हम अगर एफिशिएंट हो रहे हैं तो हमको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए कार्बन क्रेडिट का यही कॉन्सेप्ट है वाटर क्रेडिट जिसको हम वाटर नेट न्यूट्रलिटी कह रहे हैं वो भी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है वर्क कर रहा है कई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं जहाँ पर काफ़ी अल्ट्रा फ्रेश वाटर चाहिए जैसे सेमीकंडक्टर्स जो बन रहे हैं या ग्रीन हाइड्रोजन फार्मा स्थिंग नॉम्स जिसमें फूड एंड बेवरेज़ में होता है वहाँ पर अल्ट्रा फ्रेश पानी चाहिए अल्ट्रा प्योर वाटर का एक क्रिएशन का जर्नी का एक कॉस्ट है और वो कॉस्ट काफ़ी इन सिग्निफिकेंट कॉस्ट है और ये सारे फैक्ट्रीज़ का डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी है सेमी कंडक्टर चाहिए इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया को चाहिए तो ये पूरे जर्नी में कहीं ना कहीं वाटर का रिलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है फ्रेश वाटर का रिलेवेंस कहीं ज़्यादा है मार्केट साइज अगर देखें तो इरीगेशन जो आज की रेट में छः बिलियन क्यूबिक मीटर है ये बढ़ जाएगा आठ सौ तक डोमेस्टिक 62 जो है वो 111 हो जाएगा इंडस्ट्री 67 है वो 81 हो जाएगी पावर जो पावर जनरेशन हो रहा है पानी बिकम्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ जनरेटिंग पावर वो अभी तैंतीस बिलियन क्यूबिक मीटर की रिक्वायरमेंट है ये 2050 तक हो जाएगा 70 और अदर 70 का 111 तो इंडिया के अंदर में 843 बिलियन क्यूबिक मीटर की जो पानी की रिक्वायरमेंट है 2025 में ये 2050 में हो जाएगा 1180 इसका मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन हैबिटेट बेटर होगा वैसे वैसे पानी की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती रहेगी ये कई डेटा सोर्सेज हमने कुछ कुछ रिसर्च फॉर्म से लिया है जैसे केयर एज रिसर्च एक है उससे हमने ये डेटा लिया है सारा क्यूमेटिवली डेटा का मैं आपको सोर्स लास्ट में प्रेजेंटेशन में बता दूंगा आई हैव टू थैंक ईच वन ऑफ देम हुज़ कंट्रीब्यूटिंग इन दिस जर्नी ऑफ मेकिंग द प्रेजेंटेशन इंडिया का वाटर स्पेंडिंग अगर देखें एफ आई में तो इंडिया क्या कर रहा है इंडिया वी आर इन्वेस्टिंग लॉड ऑफ पानी इनफैक्ट गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग लॉड ऑफ मनी इन बिल्डिंग दैट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट की तरफ से एफ आई में वन लैख सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन करोड़ का सेंट्रल uh, का आउटलेयर है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसमें सत्तर हजार करोड़ इस जल जीवन मिशन जहां पर घर घर पे जल पहुंचाना इक्कीस हजार करोड़ स्वच्छ भारत मिशन और अमृत जो कि सीवरेज ट्रीटमेंट का इनिशिएटिव है 10,787 करोड़ जो है वो ड्रिप इरिगेशन मतलब तो तो प्रधानमंत्री कृषि संचार योजना जो कि गवर्नमेंट चाहता है कि पानी फार्मर तक सही तरीके से पहुंचे, तीन हजार नौ सौ करोड़ नमन नमामि गंगा जो कि गंगा को क्लीन करने का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट से ऑब्वियसली गंगा क्लीन होगा तो उसके अराउंड काफ़ी ज़्यादा इको डेवलप होगा और अटल भूजल योजना जो कि हज़ार करोड़ की योजना है टोटल एक लाख करोड़ की योजना अलग अलग योजना यहाँ पर मेंशन है प्रेजेंटेशन में अगर आप चाहें तो उस प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं तो क्लीन गंगा यमन गंगे योजना अटल मिशन फॉर रिचनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और अमृत 2.0 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पी एम के एस वाई जल जीवन मिशन अटल भोजन योजना और अटल जल और स्वच्छ भारत मिशन और एस बी एम टू पॉइंट तो ये अलग अलग योजना के अंदर में गवर्नमेंट ने स्कीम्स बना रखी हैं जिसका मनी कमिटेड है ब्रॉडली ये थीम्स जो स्कीम्स है वो तीन भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है टू प्रोवाइड टैप वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड पीने का पानी सब तक पहुँचे इंक्रीज यूज ऑफ पाइप इरीगेशन अभी जो इरीगेशन इंडिया में Uh, बारिश पे बहुत डिपेंडेंसी है विच इज़ काउंटर प्रोडक्टिव बिकॉज फार्मर्स के लिए बहुत दिक्कत होती है अगर बारिश ठीक से नहीं आए तो तो उसका डिपेंडेंसी ख़त्म करने का तरीका इरिगेशन है तो पाइप ड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और जो सैनिटेशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है इसको प्रॉपर करना तो एलोकेशन अगर आप देखोगे एफ आई ट्वेंटी टू में था नाइन्टी वन थाउजेंड करोड़ एफ आई ट्वेंटी थ्री में था एट्टी थ्री थाउजेंड करोड़ और एफ आई ट्वेंटी फोर में था एक लाख सात हज़ार करोड़ तो ये एलोकेशन बढ़ता ही जाएगा क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप की बात कर रहे हैं तो पानी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट इन आर कंट्री और इन फॉर दैट मैटर एनी कंट्री अब चलते हैं इंडिया का वेस्ट वाटर प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करें तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बेसिकली जो गंदगी होती है जो नाला होता है उसको क्लीन करना और उस प्लांट से फ्रेश वाटर प्रोड्यूस करना और जो बच गया वो फिर उसको डिस्पोज कर देना अगर आप देखोगे ना तो इंडिया में कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी का 43.9 परसेंट यूटिलाइज होता है बट यूटिलाइज के बाद ऑपरेशनल भी कम होते हैं तो ओवरऑल कैपेसिटी जो कि 72,868 मिलियन लीटर पर डे की कैपेसिटी है एक्चुअल में देखा जाए तो खाली 20,235 हज़ार मिलियन लीटर पर डे ट्रीट होता है मतलब ओनली 28 परसेंट विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज जो गंदगी प्रोड्यूस हो रही है वो अल्टीमेटली जाके वाटर बॉडीज़ में डंप हो जाती है जिससे गंदगी और फैलती है राइट अगर वो ट्रीटमेंट होके फ्रेश वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो ओवरऑल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर uh, में फ़ायदा होती है होता है कि गंदगी भी ट्रीट होगी सेकेंड फ़ायदा होता है कि फ्रेश वाटर भी उस गंदगी से निकल सकता है वाटर ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया को हम चार भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सिवरेज ट्रीटमेंट जो कि अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट हो गया रिवर रिजुविनेशन जैसे न, नमामी गंगे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट वाटर री यूज रिसाइकिल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करती है अगर आप कुछ भी मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर में देखोगे आप बिना पानी के मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस हो ही नहीं सकता और जितना साफ पानी उतना मैनुफैक्चरिंग क्वालिटी और बेटर होती है तो वाटर नेट न्यूट्रैलिटी जो कि मैंने आपको समझाया था डी सेलिनेशन ड्रिंकिंग वाटर सोर्स डाइवर्सिफिकेशन की जनरली फ्रेश वाटर का सोर्स तो बारिश होती है तो बारिश से हम लोग रेन हार्वेस्टिंग करते हैं बारिश से पानी को पकड़ते हैं और फिर उसके बाद उसको क्लीन करके उसको वाटर ट्रीटमेंट करके उसको पानी में भी यूज़ करते हैं या सॉल्ट वाटर को भी ट्रीट करके पानी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में जैसे ग्रीन हाइड्रोजन सेमी कंडक्टर प्योर वाटर वो एक अलग इमर्जिंग प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करे तो वाटर ट्रीटमेंट जो है वो बहुत बड़ा पॉजिटिट है इंडिया में और इसके अराउंड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होंगी उनको डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म टेलवीड अवेलेबल है कि वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं ब्रॉडली लिस्टेड कंपनी को हम लोग तीन भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डक्टाइल आयरन पाइप जो कि एक पाइप होती है जो लार्जली लिक्विड मटेरियल ट्रांसफर करने में यूज होती है ई प्ले जो इम्प्लीमेंट uh, करती है ये प्रोजेक्ट्स लेके वाटर ट्रीटमेंट में ये सारी कंपनीज़ है और कैपिटल गुड्स के अंदर में जो सप्लाई करती है जैसे पंप हो गया ये ये सारी चीज़ें जो कि वाटर की स्पेसिफिक है वो सप्लाई करती है उनका लिस्ट यहाँ पर हो गया तो ये सारे कंपनीज के बारे में लोग ब्रीफली चर्चा करेंगे और ट्रेडिंग व्यू में भी इसको डाल देंगे और स्टॉकेज के अंदर में भी इन सब कंपनीज़ को डाल देंगे तो डी आई पाइप्स अगर आपने देखा होगा डी आई पाइप्स तो ये बेसिकली रास्ते में चलते चलते दिख गया होगा कई बार पड़े रहते हैं पाइप्स काफ़ी इंस्टॉल होते हैं ये पानी को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं लोहे के ही होते हैं इट्स अ बेसिकली डक्टाइल आयरन पाइप जिसका मार्केट तकरीबन 3.19 बिलियन यूएस डॉलर है दो हज़ार में ये एस्टिमेटेड ग्रो करेगा साढ़े बारह परसेंट अब बन जाएगा ऑलमोस्ट 9 बिलियन डॉलर का मार्केट दो तक डक्टाइल पर आयरन बनता कैसे सिंपल है आयरन ओर का जो लंप होता है उसको यूज़ करके पिग आयरन और हॉट मेटल ब्लास्ट फर्नेस को यूज़ करते हुए डक्टाइल पायरन क्रिएट होता है ये पूरा एक्चुअली आयरन कोई भी तरह का लोहा का पाइप हो गया या कुछ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का यही प्रोसेस होता है कि आयरन और बिकम्स द रॉ मटेरियल कोर ऑन दैट गेट्स प्रोसेस्ड एंड प्रॉब्लिस सम अदर मटेरियल्स लाइक कोक ओवन फेरोला ये सब कुछ ऐड होता है और अल्टीमेटली वो डक्टाइल आयरन में कन्वर्ट होता है या टी बार में कन्वर्ट होता है या फेरोला बनता है प्रोसेस मोटा मोटी सब सेम ही है ये है पिक्चर डक्टाइल आयरन का आपने देखा होगा रोड में इस तरह के डक्टाइल आयरन पाइप्स होते हैं बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जहाँ से वाटर और अदर लिक्विड मटेरियल मूव हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसका आठ से नौ प्लेयर है इंडस्ट्री के अंदर में और मेजर प्लेयर्स जो है वो किपिक्स और करते जा रहे हैं बिकॉज डिमांड यहाँ पर और नज़र आ रहा है ऑन एन एवरेज एबिटा पर के जी आयरन के अंदर में तकरीबन 12 ऑन एन एवरेज होता है जब बुरा दिन चलता है जैसे लोहा का दाम जब गिर जाता है तो इनका एबिटा कम हो जाता है लोहा का दाम बढ़ेगा तो इनका एबिटा बढ़ जाता है ऑल लोहा इज देयर रॉ मटेरियल बट टिपिकली जो वैल्यू एडिट करने के बाद जो प्राइस वो चार्ज कर पाते हैं अगर हायर प्राइस होता है लोहा का तो वो ज्यादा अर्निंग ज़्यादा एबिटा जनरेट कर पाते हैं तो ऑन एन एवरेज दस के करीब इनका एबिटा पर के जी चलता है अब बुरे दिनों में और अच्छे दिनों में ये अट्ठारह तक चला जाता है ये इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का जो कॉन्कॉल हुआ था उससे हमको ये डेटा मिला तो इंडिया डी पाइप इंडस्ट्री के सिलेंट फीचर देखें तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग जो वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया से कलकत्ते की कंपनी है जय बालाजी जो है उसका दस मार्केट शेयर है कलकत्ते की कंपनी है जिंदल शॉ ने काफ़ी एक्सपेंशन किया मिडिल ईस्ट में बिकॉज मिडिल ईस्ट में वाटर प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम हो रहा है वेल्सपन कॉर्प जो है ऑल दो छोटी कंपनी है ये काफ़ी एग्रेसिवली ग्रो कर रही है ऑलमोस्ट फिफ्टीन परसेंट ग्रोथ इस कंपनी के अंदर में हो गया मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश है बोलता है चार पाँच साल के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और ये कंपनी है जो कि नॉन नॉट जस्ट इंडिया में डिमांड का फायदा उठा रही है बट मिडिल का भी फायदा उठा रही है और इंडस्ट्री जो यूरोप वाली है वो तेरह से पंद्रह ग्रो कर रही है बाय द वे यूरोप के अंदर में एंटी डंपिंग ड्यूटी है इंडिया के प्रोडक्ट्स में भी बट चाइना पे ज़्यादा है इसीलिए डिमांड इंडिया का यूरोप नेशन में भी है अगर आप कैपेसिटी देखें तो कास्टिंग के पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है लिस्टेड कंपनीज़ में वैसे प्राइवेट कंपनीज में भी कई बड़े बड़े कंपनी जैसे कलकत्ते में एक रश्मि ग्रुप है बहुत बड़ा है उनका कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है बट अगर मैं स्पेसिफिक लिस्टेड कंपनी की बात करूँ तो इलेक्ट्रोसिलकास्टिंग जयपालाजी वेल्समन कॉरपोरेशन और जिंदर शॉ इंक्लूडिंग द यू ए ई अब ये सारी कंपनीज़ को मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है मैं आपको तो पता ही है मैं ट्रेडिंग व्यू में भी इनको लिस्ट कर देता हूँ तो एक बार ट्रेडिंग व्यू भी साथ में खोल लेते हैं मैं ऑलरेडी लिस्ट करके बैठा हूं तो स्ट्रेस नहीं है और ये मैं एनी वेज ही वॉचलेज आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आपको वैसे कोई स्ट्रेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टिल कास्टिंग जो है वो डक्टाइल आयरन पाइप्स, डक्टाइल आयरन फिटिंग कास्ट आयरन ये सब पाइप्स पिग आयरन ये सब में है इसका 71 परसेंट रेवेन्यू जो है वो डी आई स्पन पाइप से है 6 परसेंट फेरो प्रोडक्ट्स है और फाइव एंड ट्वेल्व इत्यादि एट्टी फोर परसेंट इसका रेवेन्यू इंडिया से है और बाहर से तकरीबन सोलह है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पाइप प्रोड्यूसिंग कंट्री कंपनी इन इंडिया है जय बाराजी ग्रुप जो कि डाउन एंड आउट था ऑलमोस्ट बैंक्रप था दे हैव कम आउट वेरी वेरी स्ट्रांग ये पूरा कोविड के बाद में चाइना प्लस वन होने के बाद इन सब कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा हुआ है तो डक्टाइल आयरन पाइप जो है वो 27 परसेंट रेवन्यू कंट्रीब्यूट करता है फेरेलॉय जो है वो 20 परसेंट रेवन्यू कंट्रीब्यूट करता है और स्टील बार रॉड्स जो है जो सरिया वगैरह जिसको कहते हैं वो 18 परसेंट रेवन्यू कंट्रीब्यूट करता है कंपनी का टारगेट रेवेन्यू ग्रोथ तकरीबन 25 से 30 परसेंट है नेक्स्ट ईयर एबिटा मार्जिन जो है वो 17 से 18 परसेंट होने की उम्मीद है और इन्होंने अभी अभी काफ़ी प्रोडक्शन को रैंप अप किया है डी पाइप्स की तो जहां उनका रेवेन्यू खाली यू नो लिमिटेड हुआ करता था अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण उनका जो स्पेशलाइज फेरो फेरोलॉय का जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू पे जो कि चौबीस प्लस सत्ताईस प्लस बीस था पहले सैंतालीस परसेंट वो बढ़ के अस्सी परसेंट हो जाएगा तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी फ्रॉम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ऑल ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा चल चुका है पर बड़े चीज़ ध्यान रखिएगा शेयर बाजार में जो चल गया वो और भी चल सकता है अगर तेलविंट उसको सपोर्ट कर रहा है अर, अर्निंग उसको सपोर्ट कर रहा है ये हमेशा ध्यान रखिए जिंदल शॉ जिंदर्ड शॉ जो है वो पाइप मैनुफैक्चर में है पाइप सिमलेस पाइप्स पैलेट्स इन सबको मैनुफैक्चर करती है 68 परसेंट रेवेन्यू जो इसका जो वाटर सेक्टर से आता है 28 परसेंट ऑयल एंड गैस सेक्टर से आता है डोमेस्टिक सेल्स 60 परसेंट एक्सपोर्ट 40 परसेंट है इनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1 मिलियन मेट्रिक टन जिसमें इंडिया में 6 लाख मेट्रिक टन है और यू में साढ़े लाख मेट्रिक टन है तो सही मायने में ये वो कंपनी है जो ग्लोबल जा रही है इंडिया से वेल्समन कॉरपोरेशन अगेन मैनुफैक्चर करती है डायमीटर पाइप्स, बी आई एस सर्टिफाइड स्टील बिलेट्स टी एम टी बार डी आई पाइप स्टील कंपनी ने ओवरऑल एक सौ पचास के एम टी पी एस का डी आई पाइप का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप किया मिडिलस्ट के अंदर में और ये भी एक्सपैंड कर रही है एग्रेसिव uh, हो रही है इन एक्सपैंडिंग बियॉन्ड इंडिया पाँच सौ करोड़ के करीब उनका इन्वेस्टमेंट चार से पाँच क्वार्टर में है इनका मेन जो बेस है ना वो गुजरात है एंड इट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इन अदर रिलेटेड एरिया बट इनका मेन बिजनेस वो नहीं था पर धीरे धीरे वो लोग इस डोमेन के अंदर में भी अपना अच्छा सेटअप कर रहे हैं तो ये स्टोरीस है पूरी नंबर वर्क में देखा जाए तो ये चार मेन कंपनीज हैं और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट को इंक्लूड कर ले तो जिंदल शॉ है और इलेक्ट्रोस्टिल और जय बालाजी अगर एक्सपेंशन की बात करें तो जय बालाजी जो है उनका एक्सपेंशन काफ़ी एग्रेसिव है बेटा मार्जिन अगर देखें तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का अच्छा बेटा मार्जिन है और बाकी सब भी कंपेरेबल है राइट लेकिन अगर पी e. देखें इनका रेवेन्यू इनके अर्निंग मल्टीपल्स देखें तो अभी काफ़ी रीजनेबल है तो जब अर्निंग रीजनेबल होती है इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है तो जब हम टेलमिट को फॉलो करते हैं और उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ अर्निंग रीजनेबल है अर्निंग मल्टीपल्स रीजनेबल तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम है अब सेकेंड सेगमेंट में चलते हैं वो है ई पी सी जो कि बेसिक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन है जो कि टर्न की प्रोजेक्ट्स लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके देते हैं तो आ, कई कंपनीज जो, जो इस पर काम करती हैं डिसनेटाइजेशन पे हुए वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट पे ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स पे इन सब पे काम करती है आ, या तो हाइब्रिड एनुअल मॉडल होगा कि भैया मैंने बना के आपको दे दिया अब आप मेंटेन करिए या मेंटेनेंस का भी होगा कि ठीक है मैंने बना दिया अब उसके बाद में आप ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी मुझसे ले लीजिए ऑब्वियसली ओ एम एम ओ एम के अंदर में मार्जिन ज़्यादा होता है ये जो वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री है ये 1.8 बिलियन 2023 से 4.2 बिलियन 2032 मतलब करीबन साढ़े दस परसेंट सी से ग्रो करने की उम्मीद है ड्यूरिंग दी प्रोकास्टिक पीरियड कौन कौन सी कंपनीज है इसमें इसमें आ, वी ए टेक वाबाग एक कंपनी है जो कि ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट डिसलिटाइजेशन रिसाइकिलिंग इन सब के अंदर में इन्वॉल्व है तकरीबन 6,500 हज़ार म्यूनसिपलिटीज़ के साथ वो जुड़ी हुई हैं 25 से ज़्यादा कंट्री में मल्टीनेशनल है बहुत अच्छा करें इंडिया अकाउंट्स फॉर सिक्सटी फाइव ऑफ द ऑर्डर बुक फॉलोड बाई आर ओ डब्ल्यू विच इज़ थर्टी थ्री परसेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड

मतलब ये की भी करती हैं पूरा यहाँ ए टू ले के जेड तक का काम करती है सबसे ज़्यादा इसका बेस यूपी में है 49 परसेंट और राजस्थान 23 परसेंट तो नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में इनका काफ़ी स्ट्रॉग बेस है और बिजनेस मॉडल वही है सिवरेज मैनेजमेंट वाटर सप्लाई मैनेजमेंट एंड ट्रीटिंग दाटर इज वेल आयन एक्सचेंज जो है ये काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज देती है अगेन अपने अभी सर्विसेज ईपीसी की बात कर रहे हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडर्स वो अपने बाद में बात करेंगे तो वाटर ट्रीटमेंट के सर्विसेज ये भी प्रोवाइड करती है फिफ्टी जो रेवेन्यू जो है वो ई से सर्विस से आया है इसके तकरीबन एक लाख इंस्टॉलेशन दुनिया भर में हो गए और ये कंपनी बियॉन्ड वाटर भी और काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है बट जो मेन इसका कोर है वो है वाटर ट्रीटमेंट ओके आईटीडी सीमेंट आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया ये भी ईपीसी प्रोजेक्ट प्रोवाइड करती है वाटर फोकस लार्जली इसका फोकस जो है वो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है और हाइड्रो डैम टनल इरिगेशन ये सारे तरह के गवर्नमेंट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में ये कंपनी इन्वॉल्व है ओके okay? um, तो uh, एक लास्ट कंपनी ले लेते ले ले हैं ई के अंदर में वो है एन uh, एन जो है वो ई कॉन्ट्रैक्ट लेती है बॉल्ट प्रोजेक्ट्स पर पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप में ये जो जल जीवन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का आया था ये एन को दिया गया था छः हज़ार करोड़ का इनिशियल uh, प्रोजेक्ट था और उसके कारण काफ़ी हद तक इस कंपनी ने वापस से अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है एंड वाटर हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर इस्टैब्लिशमेंट जैश इंजीनियरिंग uh, अब इक्विपमेंट मैनुफैक्चर की बात करते हैं अभी तक तो हमने ई वालों की बात कर दी सारे नाम देखे मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं तो आपके लिए इजी हो गया कि ये सारे नाम को मैं ट्रैक कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू में और स्टॉकेज में भी मैं इनको अलग से ऐड करूँगा अपने बेनिफिट के लिए क्योंकि स्टॉकेज से मेरे को यूजफुल इंसाइट्स कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं जैश इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है वाटर इंटेक सिस्टम वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पंपिंग स्टेशन वाटर ट्रांसमिशन लाइन इट्स अ मार्केट लीडर इन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच इज़ मैनुफैक्चर और अमंग द फर्स्ट फाइव इन द वर्ल्ड इन वाटर कंट्रोल गेट्स बिजनेस स्प्लिट में 40% परसेंट डोमेस्टिक है और 60% परसेंट जो है वो एक्सपोर्ट है के जो है वो एक कॉम्प्रीहसि पंप्स और वॉल्व प्रोवाइड करती हैं वाटर एनर्जी एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन ऑयल एंड गैस एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज के लिए इट ऑल्सो ऑफर सर्विसेज एंड स्पेयर पार्ट्स एंड ट्रेनिंग फॉर ओ एन एम फॉर इस पम्प्स एंड वेल्ब्स Uh, इसका मार्केट शेयर तकरीबन साढ़े सात परसेंट है डोमेस्टिक पम्प्स एंड वेल्थ में रेवेन्यू स्पिट देखेंगे तो डोमेस्टिक इज एटी परसेंट और एक्सपोर्ट इज अराउंड ट्वेंटी परसेंट डब्ल्यू पी आई लिमिटेड ये भी पूरा वैल्यू चेन प्रोवाइड करता है पंप pump और पंपिंग सिस्टम के अंदर में uh, इसके जो मेजर क्लाइंट uh, है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है तेलंगाना मध्य प्रदेश सेंट्रल यूटिलिटीज लाइक लार्ज पी एस यूज वगैरह इसका कोर बिजनेस तीन भाग में डिस्ट्रीब्यूटेड है टर्न की सोल्यूशन इंजीनियर लार्ज पम्प्स एंड कन्वेंशन वाटर पम्प्स ओके थर्मैक्स जो कि पुणे बेस है बहुत ज़बरदस्त कंपनी है पुराना इनका काफ़ी पेडिग्री uh, है ये बॉयलर्स और हीटर्स और एब्जॉर्बशन चीलर्स हीट पम्प्स वाटर वेस्ट रिसाइकल प्लांट्स में है वाटर एंड वेस्ट सोल्यूशन बिजनेस इज ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ देयर रेवेन्यू, ओके और किर्लोस्कर पंप आपने यूज़ भी किया होगा घर घर में किलोस्कर पंप लगे हुए रहते हैं इंडस्ट्रियल के अंदर में तो काफ़ी लगे रहते हैं ग्रुप हैज़ बी गॉन थ्रू टफ टाइम्स बट दे हैव कम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ तो किलोस्कर ब्रदर्स uh, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हैं लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करते हैं और uh, इनके जो पम्प्स हैं वो इम्प्लीमेंट uh, होते, होते हैं यूज होते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स फ्लूड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग वाटर एंड अदर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स तो ये हो गया कंपनीज़ के नाम ये हो गया थीम जिसको मैं अब ट्रैक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने वो स्टॉक्स के लिस्ट भी डाल दिए ताकि इन थीम्स को मैं प्रॉपरली ट्रैक कर सकूं जैसे कि पुराने अपन लोगों ने ऐड कर रखे थे बहुत सारे थीम्स पे चर्चा हो गई मज़ा आ रहा है ये पूरा जो लर्न टू इन्वेस्ट का जर्नी जो मैंने चालू की थी जहाँ पर बेसिक मैंने लर्न टू इन्वेस्ट क्या होता है फिर स्टॉक का एग्जाम्पल लिया फिर सेक्टर समझाए एक ऑटोमोबाइल सेक्टर को कैसे स्टडी करते हैं फिर एक एक थीम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे काफ़ी मुझे भी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है एंड आई एम श्योर आपको भी अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी तो आपकी ये लर्न टू तो इन्वेस्ट थीम पूरा सीरीज़ लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा और इसको ट्रेड कैसे करना है मैं तो क्योंकि मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ मैं तो ये देखता हूँ कि भाई जो स्टॉक जिसके अंदर में फंडामेंटली स्ट्रेंथ है वो कैसे दिखेगा रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है या बेटा मार्जिन में ग्रोथ आ रही है और प्राइस एक्शन में भी स्ट्रेंथ है उसमें मेरे को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये जय बालाजी है इसने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है बिटा मार्जिन भी अच्छा हुआ है चौबीस रुपये का स्टॉक जो है ये ऊपर में जाके ये ऑलमोस्ट यू नो बारह सौ रुपये गया अभी करेक्शन हो गया टिपिकली जो स्टॉक में रेवेन्यू सपोर्ट होता है मार्जिन एक्सपेंशन हो रही होती है वो रिट्रेस कर जाते हैं तो अभी इसमें मोमेंटम दिख नहीं रहा तो मैं अभी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा बट लुक्स लाइक ये स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है नए मोमेंटम के लिए तो इसको डेफिनेटली मैं ट्रैकर में रखूंगा जिंदल शॉ मैंने कहा ही जैसे कि इसका इंटरनेशनल एक्सपेंशन है इसमें भी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है और गुड स्टॉक इसको भी मैं अपने लेने के ट्रैकर में रखूँगा तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपको नहीं देना चाहता हूँ बट वट आई एम सेंग दैट ये ओवरऑल थीम्स के अंदर में जिन स्टॉक्स के अंदर में मुझे कन्वेक्शन सबसे ज़्यादा है और जिन स्टॉक्स के अंदर में मोमेंटम भी मुझे ज़्यादा दिखता है उसमें पोजिशन बिल्ड करो और जहाँ मोमेंटम वीक हो रहा है उन स्टॉक से निकल जाओ अगर हम इसी जोन में अपने आप को रख लेना और फोकस करें तो ये जो इन्वेस्टमेंट थीम्स के अंदर में जितने स्टॉक्स डिस्कस हुए ना उन्हीं में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल जाएंगी कि हम इसमें काम कर सकते हैं याद रखना मोमेंटम इन्वेस्टर को स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है और रोटेट करना जरूरी है कि यहाँ अगर रैली बंद हो गई या मोमेंटम स्लो हो गया तो यहाँ से निकलो और यहाँ पर जाओ और वो अगर समझना है तो लर्न टू ट्रेड से अच्छा सीरीज़ आपको इंडिया में नहीं मिलेगा ये मेरा दावा है और राइट थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए आई होप इट वॉज यूजफुल डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और मेरे साथ पहली बार जुड़ें तो मेरा नाम है विवेक बजाज मैं हूँ उन्नीस साल से मार्केट में और मुझे मजा आता है लोगों को पढ़ाने में तो मेरे साथ जुड़िए परमानेंटली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को थैंक यू बाय जय हिंद Thank <laughs> you.